सो हे गाइस, फाइनली कावासाकी की तरफ से आने वाली मोस्ट अवेटेड बाइक 25th ऑफ सितंबर को लॉन्च होने जा रही है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। ये ऑफिशियल हो गया, लॉन्च डेट रिवील हो गई है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कावासाकी W175 के बारे में, जिसका लॉन्च होने का इंतजार काफी लंबे टाइम से करा जा रहा है और इस बाइक को काफी बारी सपोर्ट करा गया है टेस्ट राइडिंग के दौरान इंडियन मार्केट में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस बाइक का क्या प्राइस रखा जाएगा, बाइक में कौन कौन से फीचर्स आपको मिल जाएंगे और ये कावासाकी की W175 आपको कितना माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। तो अगर आप भी आने वाले टाइम में एक न्यू बाइक को लेने का प्लान बना रहे हो तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देख लेना। और अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी होती है किसी भी बाइक से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर DM कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को और बात करते हैं कावासाकी W175 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कावासाकी की W175 की काफी ज्यादा डिमांड रही है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में स्टार्टिंग से ही, क्योंकि ये बाइक आपको प्रॉपर रेट्रो लुक देगी और जो बाइक की परफॉर्मेंस है ना वो भी काफी अमेजिंग है। इंडोनेशियन मार्केट में काफी ज्यादा चल रही है ये बाइक। तो अब बारी है इंडियन टू व्हीलर मार्केट की, तो चलिए बात करते हैं कावासाकी W175 के बारे में। तो बाइक में आपको 175cc का 4-stroke सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 13.2 BHP की 6500 RPM पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 13 Nm का 7500 RPM पर। इस पावर के साथ ये बाइक 115 से 120 किलोमीटर पर रात की टॉप स्पीड तक जा पाएगी। और बात करें बाइक के फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको सेफ्टी के लिए सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा, बाइक में 5 स्पीड गियरबॉक्स होंगे और बाइक में आपको एक अच्छा सा रेट्रो लुक का एनालॉग कंसोल मिल जाएगा, जिसमें आपको सभी बेसिक फंक्शन शो हो जाएंगे। और बाइक के सस्पेंशन में इसके फ्रंट पार्ट में रहेगा टेलीस्कोपिक फोक और रियर पार्ट में आपको ट्विन ट्यूब शॉक अब्सॉर्बर देखने को मिलेगा। और बाइक की लाइट्स में इसके फ्रंट पार्ट में हैलोजन बल्ब का यूज किया गया है, लेकिन बाइक के टेल लाइट और साइड इंडिकेटर में LED लाइट्स का यूज किया गया है। और कावासाकी W175 के टायर साइज की बात करें तो इसके फ्रंट पार्ट का टायर होगा 80x100mm का और रियर पार्ट का टायर होगा 100x90mm का। टायर इसके मल्टीपर्पज होने वाले हैं, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है इंडियन रोड्स पे। और बाइक के डायमेंशन में इस बाइक का कर्व वेट है 126 kg का, बाइक काफी लाइट वेट है सेगमेंट में आने वाली बाइकों से। 165mm की आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी और इस बाइक की सीट हाइट होगी 765mm की, जो कि बिल्कुल फेवर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और बाइक में आपको 13.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी और ये बाइक आपको 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं कावासाकी W175 के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। ये बाइक दोस्तों आपको 25th ऑफ सितंबर को लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाली है और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 170,000 से 175,000 के एक्सशोरूम प्राइस पर, जो कि आपको ऑन रोड देखने को मिलेगा इंश्योरेंस ऑटो लगाकर 190,000 से 2 लाख के प्राइस पर। तो ये थी दोस्तों आज की एक छोटी सी वीडियो कावासाकी W175 के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि आपको क्या लगता है, क्या कावासाकी W175 का प्राइस ठीक है या फिर इसको थोड़ा सा कम होना चाहिए इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में।